खिलाड़ी आ रहे, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के? आज तो मजा आ गया यार, आज उमा कुरैशी जी और उनके भाई आए हैं साकी से लेके। और किस तरह, जैसे ओरिजिनल भाई बहन हम होते ना, बाल खींच दिए, चोटी खींच दी, तकिया मार दिया, ये सच में वैसे भाई बहन। मजा आ गया इनके साथ आज का एपिसोड, इतनी हंसी आ रही है। और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि एपिसोड बंद, मतलब उनकी लड़ाई में इतनी मस्ती, इतना मजा था ना कि अपनी बहन को लेने के लिए जा रहे थे। मैं थोड़ा ये दे दिया कैसे गेम्स होंगे, आप ये वाला एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिए। और ये लेवल में नीचे नई गेम यही देखने मिलेगी कि आपस में भाई बहन ऐसे लड़ सकते हैं, मतलब जानवर की तरह भाई, मतलब मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग। कहते जो लड़ते हैं उनमें प्यार भी बहुत होता है। हाँ तो जरा गिर गिर जाते तो तेरे को नहीं, तो नहीं ऐसा हो रहा था, क्योंकि मम्मी जाके घर में डांटेगी, मम्मी ने कहा था दोनों सही आना, माइंड ब्लोइंग आज का एपिसोड। और की बात करूँ, काफी डिफरेंट डिफरेंट कलाकार आए और काफी डिफरेंट गेम्स हुई, किस तरह से देखते हो इस सीजन? ये सीजन माइंड ब्लोइंग था, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आए, बहुत नए फेसेस थे यहाँ पर। जो खतरा खतरा पहला था उसमें भी लोग थे काफ़ी, लेकिन इस सीजन में बहुत नए नए फेसेस थे, तो बहुत 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 मज़ा आया। और इंशाल्लाह अगले सीजन में भी बहुत मज़ा आया। और इस सीजन की मैं बात करूँ तो काफ़ी डिफरेंट हुआ, आपको बीबी भी हुआ, और जिस तरह इस सीजन क्योंकि इस सीजन मिडल ऑफ द सीजन जिस तरह की ब्लेसिंग आप क्या दुखा लगता है? मैं यही कहना चाहूँगी कि फैंस की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इतना प्यार और इतना सपोर्ट देती रहती हूँ। कुछ लोग होते भी ऐसे बोलने वाले, अरे बच्चा छोड़ के जा रही है काम में, अभी बच्चा 15 दिन का है, 20 दिन का, तो मैंने पहले भी जवाब दिया है कि ऊपर से नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसे औरतें हैं जो 3-4 दिन का बेबी छोड़ के भी काम हो जाती है ना, और हमें तो भगवान ने मतलब 4 पैसे दिए हैं और उनकी ताकत में कि पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही, पूरी फैमिली घर में है। तो अभी तो शादी जैसा माहौल है घर में, बेबी एक छोटा सा है लेकिन उसके लिए 20 लोग हैं, चाहे वो नर्स हो, उसकी जापा हो, दादी हो, नानी हो, मासियाँ हो, सब लोग हैं। और मुझे, मैं इतनी टेंशन नहीं रहती हूँ, मैं कैमरे में देखती रहती हूँ, मेरे घर वाले मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मैं उनको पूछने के लिए फ़ोन करती हूँ बच्चा कैसा, और बाद में रखना हम खेल रहे हैं उसके साथ, तो ये होता रहता है। सो बड़ा अच्छा लगता है। और कई ऐसी औरतें जिनको ऐसा सपोर्ट मिलता भी नहीं है ना कि वो कैमरे में देख पाए या उनकी फैमिली के साथ में, तो वो कभी बांध के बच्चा साथ में ले जाती, कभी काम की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी जो हमारी मम्मी बहनें, इनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको बोलना चाहिए। मुझे पता है कि जो लोग लिखते हैं ना कि 12 दिन का बच्चा जो कि काम पे जा रही, वो खुद 16 साल की होगी लड़की, उसको पता ही नहीं माँ बन के या घर गृहस्थी कैसे चलानी है। और जो कह रहे होंगे ना कि अरे बच्चा उधर रो रहा होगा, वो कोई अंकल होंगे 30-35 साल के, उनको खुद नहीं पता होता। हमें पता है डॉक्टर से ओके है, हमें पता है हमारी बॉडी अच्छी है, हम कर पाते हैं, हमें मौका मिला है काम करने, तो करना चाहिए। क्या नेक्स्ट सीजन हम बेबी को देख पाएंगे? नेक्स्ट सीजन हाँ बिल्कुल देख पाएंगे, हम अपने बच्चे के साथ, बच्चे को कहीं ऊपर रखेंगे, गेम में होगा कि बच्चे को बॉटल में जाके दूध पिलाना, ऐसा कुछ गेम सोचेंगे या डाइपर चेंज करेंगे, आप वो गेम खेलेंगे बच्चे को, तब बोलेंगे कि डाइपर पे सुसू ना करें कुछ और करें। थैंक यू, थैंक यू।